केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया खनियाधाना में हितग्राही सम्मेलन में हुए सम्मिलित। भाजपा कार्यकर्ताओं ने बुलडोजर से पुष्प वर्षा कर किया केंद्रीय मंत्री सिंधिया का स्वागत। स्वागत गीत पर मंच पर थिरकते नजर आए ज्योतिरादित्य सिंधिया। केंद्रीय नागरिक उड्डयन एवं इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने खनियाधाना में हितग्राही सम्मेलन में पहुंचकर विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लिया। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया चंदेरी से प्रस्थान कर प्रातः 12 बजे कृषि उपज मंडी खनियाधाना में बघेल समाज के कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। दोपहर 1 बजे खनियाधाना के बस स्टैंड पर आयोजित हितग्राही सम्मेलन में हिस्सा लिया और हितग्राहियों से सीधा संवाद किया और केंद्र सरकार एवं प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जनता को बताया और योजनाओं के प्रमाण पत्र भी वितरित किए। साथ ही कांग्रेस पर भी मंच से जमकर निशाना साधा और कहा कि तीसरी बार फिर मोदी सरकार के नारे भी लगाए। वहीं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के आगमन पर स्वागत गीत के दौरान सिंधिया मंच पर थिरकते नजर आए। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के गुना शिवपुरी अशोकनगर लोकसभा क्षेत्र में लगातार सक्रियता को देखते हुए कयास लगाए जा रहे हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ज्योतिरादित्य सिंधिया को गुना शिवपुरी लोकसभा सीट से प्रत्याशी बनाया जा सकता है। खनियाधाना से शिवकांत सोनी की रिपोर्ट। कितनी आई हुई उस दुकान आज, पर आज तक बहनों ने कम से कम 10-10 लाख रुपया को बचा के रखा है। 10-10 लाख रुपया बचा के रखा है। इसका मतलब कि पिछले 15 सालों में शून्य से मीराबाई और उनकी स्वयं सहायता समूह ने शुरुआत की और पिछले 15 सालों में से आज तक जो सफर तय किया है उस सफर में एक एक महिला, एक एक दीदी ने, मेरी दीदी है मीराबाई, एक एक दीदी ने 10-10 लाख रुपए बचत करके अपने परिवार के लिए एक नई पूंजी स्थापित की है। तालियों की गड़गड़ाहट। और अब कितनी महिला है हमारे समूह में? हमारे समूह में महिला है अब खनियाधाना ब्लॉक में 23,360 महिला और ऐसी।